सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए अहम T20 मुकाबले में CSK ने जीत हासिल की। कावेरी जल विवाद को लेकर कई संगठन विरोध में उतर आए हैं, जिसके चलते चेन्नई के क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच पर संकट के बादल छा गए। इसी बीच विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने धमकी दी है कि अगर चेपक स्टेडियम में मैच होता है तो वहां पर सांप छोड़ देंगे। प्रो तमिल लीडर वेलमुरुगन का कहना है कि वे आदिवासी जो इंडियन प्रीमियर लीग के विरोध में स्टेडियम के बाहर प्रदर्शन करेंगे वो मैच के दौरान स्टेडियम के अंदर सांप छोड़ देंगे। कावेरी जल विवाद को लेकर चल रहे लगातार विरोध के चलते अब IPL के मैचों पर संशय बरकरार हो गया है। वहीं अब चेन्नई पुलिस ने BCCI से कहा है कि वो चेन्नई में होने वाले मैचों में काली शर्ट को पूरी तरह से स्टेडियम में बैन कर देंगे। इसी दौरान किसी भी व्यक्ति को जिसने काले कपड़े पहने हुए हो उसे स्टेडियम में आने की अनुमति ना दी जाए। इसके साथ ही चेन्नई पुलिस ने इस बात को पूरा आश्वासन दिया है कि IPL मैचों के दौरान किसी भी तरह के विरोध से बचने के लिए दोहरी सुरक्षा सभी खिलाड़ियों को दी जाएगी। अगर आप IPL के फैन हैं और IPL 2018 की टीम्स और उनसे जुड़ी हर ताज़ा और मज़ेदार खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको IPL 2018 से जुड़ी हर ताज़ा और मज़ेदार खबर सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।